नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। तो दोस्तों, मैं करुणा आपके लिए लेकर के आई हूँ सबसे पहले 2022-23 का आपका क्लास 9 से लेकर के 12 तक का सिलेबस। तो क्या चेंजेस किए हैं इस बार CBSE ने, क्या इस बार टर्म फर्स्ट और टर्म टू के बारे में जो अफवाह हम सुनते आ रहे हैं वो सही है, क्या टर्म वन और टर्म टू यानी कि दो बार बोर्ड एग्ज़ाम इस सेशन में होंगे या नहीं होंगे, CBSE क्या चाहता है, तो वो जानोगे आप इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा, अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक भी शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा सबसे पहले आप अपडेट रखने के लिए खुद को शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर लें। बेटा वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना और मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस। बेटा आपको इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी CBSE की ऑफिशियल साइट, ठीक है, जहां पर करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए यहां पर सिलेबस अपलोड किया हुआ है CBSE ने 9th और 10th के लिए। सेकेंडरी करिकुलम एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम जो कि होगा 11th और 12th के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पेंटिंग का ही सिलेबस यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। तो हम 11th और 12th बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैं पूरा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये देखने के लिए कि क्या टर्म फर्स्ट और टर्म टू दो बार एग्ज़ाम होंगे इस बार, हम खोल लेते हैं सीनियर सेकेंडरी करिकुलम का सिलेबस। तो लैंग्वेजेस का पेपर नहीं देखते हम, देख रहे हैं ग्रुप ए का पेपर और मेरा सब्जेक्ट है फाइन आर्ट, तो मैंने फाइन आर्ट को सेलेक्ट किया है और ये फाइन आर्ट का जो सिलेबस है मेरे सामने है 2022-23 का, जिसके अंदर पेंटिंग, ग्राफिक, स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट है। तो हम पेंटिंग का सिलेबस बेटा यहाँ पर देखेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हैं पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग जो कि पेंटिंग सब्जेक्ट में बनता है। सीधा सीधा जाएंगे हम हमारे थ्योरी टर्म फर्स्ट एंड टर्म टू के सिलेबस में। देखना ये है क्या इस बार भी जो 30% सिलेबस है वो कम किया है। तो ए पेंटिंग है कोड नंबर 049 पे हम थ्योरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग सिलेबस यहाँ पर देख रहे हैं। ये थ्योरी का सिलेबस है और देखिए बेटा वन थ्योरी पेपर, ठीक है, सिर्फ एक ही थ्योरी पेपर है और 30 मार्क्स का है। आपको पता है 11th क्लास में आप लोगों ने अभी इस बार टर्म फर्स्ट एंड टर्म टू में 15 नंबर की थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है और यहाँ पर सिर्फ एक बार की 30 मार्क्स की थ्योरी का एग्ज़ाम और वो भी 2 घंटे का। इट मीन्स इस सिलेबस को देख करके तो ऐसा लगता है कि CBSE इस बार दो बार बोर्ड परीक्षा कराने के मूड में नहीं है, यानी कि जो हम सुन रहे हैं कि इस बार सिर्फ एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जैसे कि इससे पहले होता आया है, इस सिलेबस को देख करके लगता है कि वो सही बात है। तो बेटा अब ये देखना है कि आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, क्या वो 30% सिलेबस यहाँ पर रिड्यूस किया हुआ है या नहीं। तो बेटा इस सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि हमारा टर्म फर्स्ट एंड टर्म टू दो बार होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, अभी तक इस सिलेबस को देख करके तो नहीं लग रहा कि CBSE टर्म वन और टर्म टू एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। सेकेंड की 30% सिलेबस है क्या, तो यस 30% सिलेबस यहाँ पर हटाया हुआ है, यानी कि सिर्फ 70% सिलेबस हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है आपका, यानी कि 30% सिलेबस आप लोगों का कम है। जैसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ताजमहल भी आपके सिलेबस में है, लेकिन ताजमहल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स उसने आपका 30% सिलेबस जो है वो कम किया हुआ है, 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है, यानी कि 2021-22 से पहले जो 2021 में सिलेबस था 70% सिलेबस था, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम था, वही पैटर्न इस बार CBSE फॉलो कर रहा है।
तो दोस्तों ये थी आज की CBSE की सिलेबस 2022-23 के रिगार्डिंग नई अपडेट। आशा करती हूँ आपको वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा, दो बार बोर्ड एग्जाम की टेंशन भी आपकी खत्म हुई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।